दोस्तों सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फिजिकल पैरामीटर्स, और फिजिकल पैरामीटर्स में भी सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स। दोस्तों सस्पेंडेड सॉलिड्स हमारे कौन से सॉलिड्स हो सकते हैं, उससे पहले हम जान लेते हैं कि हम सॉलिड दोस्तों दो तरह के पढ़ने वाले हैं। पहला होने वाला है हमारा सस्पेंडेड सॉलिड और दूसरा होने वाला है हमारा डिजॉल्व सॉलिड्स। दोस्तों सस्पेंडेड सॉलिड्स हमारे वो सॉलिड होंगे जो पानी में डिजॉल्व नहीं होते, नॉट डिजॉल्व इन वाटर, और इनका तो नाम ही डिजॉल्व सॉलिड्स है, ये तो पानी में डिजॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों जो सॉलिड्स हमारे पानी में डिजॉल्व नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम इसको मेजर किस यूनिट में करते हैं। दोस्तों हम इसको मेजर करते हैं mg पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर में हम सस्पेंडेड सॉलिड्स को अपने मेजर करने वाले हैं। अब दोस्तों ये तो हो गया, इस यूनिट में मेजर करते हैं, अब देखते हैं हमने मेजर कैसे करते हैं। दोस्तों मान लीजिए हमें क्या दे रखा है, हमें एक बीकर दे रखा है, तो इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं हमारे और कुछ डिजॉल्व सॉलिड्स भी हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स भी हैं, इसमें कुछ हमारे डिजॉल्व सॉलिड्स भी हैं और वाटर भी है। दोस्तों अब क्या करेंगे, अपने इस पानी को हम एक फिल्टर पेपर से पास करते हैं। अब ये दोस्तों क्या है, अपने फिल्टर पेपर से हम इसे पास करेंगे। दोस्तों जब इसे हम अपने फिल्टर पेपर से पास करेंगे इस पानी को, तो सस्पेंडेड सॉलिड्स ऊपर रह जाएंगे, सस्पेंडेड सॉलिड्स ऊपर रह जाएंगे, जो नीचे चला जाएगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा वाटर प्लस डिजॉल्व सॉलिड्स, वाटर प्लस डिजॉल्व सॉलिड्स हमारा नीचे निकल जाएगा। तो यहां से हम एक चीज और देख सकते हैं, जो पार्टिकल्स हमारे या जो सॉलिड्स हमारे फिल्टर हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम डिजॉल्व सॉलिड्स, और जो नॉन फिल्टर होते हैं यानी वो फिल्टर नहीं हो पाते, नॉट फिल्टर, दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम सस्पेंडेड सॉलिड्स। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमें वाटर प्लस डिजॉल्व सॉलिड्स मिल जाने वाला है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स मिले हैं, हमें सस्पेंडेड सॉलिड्स मिले हैं, हमने क्या करेंगे, हमने 600 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने वाले हैं, 600 से साढ़े छह सौ डिग्री सेल्सियस पर जब हमने हीट करेंगे दोस्तों, जब हमें क्या मिलेगा, फिर हमें मिलेंगे हमारे इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स। और दोस्तों कुछ सॉलिड्स ऐसे होंगे जो हमारे गैस में चेंज होके उड़ जाएंगे, तो दोस्तों वो क्या होने वाले हैं, वो होते हैं हमारे ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स। जी दोस्तों, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स, और ये होते हैं हमारे ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स। ये क्या होंगे दोस्तों, ये हवा में उड़ जाएंगे, एयर की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, और दोस्तों ये क्या होंगे, ये हो जाएंगे हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स, सॉरी दोस्तों रेसिडुअल सॉलिड्स, जो हमें एट लास्ट मिलेंगे वो क्या होंगे दोस्तों, रेसिडुअल सॉलिड्स। तो दोस्तों सस्पेंडेड सॉलिड्स हमें यहां मिलने वाले हैं अपने, ये हो गए हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स। इनको क्या किया हमने, 600 से 650 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, तो क्या मिले हमें, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स और ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम सस्पेंडेड सॉलिड्स को मेजर कैसे करते हैं। मान लीजिए यहां पर हमें क्या करना है, ये तो हो गए हमारे सॉलिड्स आ गए सस्पेंडेड सॉलिड्स, अब इन्हें हम मेजर कैसे करने वाले हैं, तो दोस्तों उसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने फिल्टर पेपर है जो, इसका वेट ले लेंगे मान लीजिए W। दोस्तों ये क्या है, ये फिल्टर पेपर है हमारा। दोस्तों हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसका वेट ले लिया कि हमारे फिल्टर पेपर का वेट क्या है, W है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें से अपना पानी पास करेंगे, जब हम इसमें से अपना पानी पास करेंगे तो सस्पेंडेड सॉलिड्स इसमें रह जाएंगे, इसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स इसमें रह जाएंगे फिल्टर पेपर में, तो हम कहेंगे कि यार कि WF था फिल्टर पेपर का वेट, तो हम कहेंगे यार कि इसको कुछ वेट बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए इसका वेट क्या हो जाएगा, WF प्लस WS, WS क्या हो जाएगा दोस्तों, सस्पेंडेड सॉलिड्स का वेट। जब हम इसे मेजर करेंगे जब पानी डालने के बाद, तो हमें क्या मिलेगा, WF प्लस WS, WS क्या हो जाएगा, सस्पेंडेड सॉलिड्स का वेट। अब बात करते हैं कि कंसेंट्रेशन कैसे निकालेंगे हम सस्पेंडेड सॉलिड्स का, कंसेंट्रेशन कैसे निकालेंगे दोस्तों, WS ये किसका वेट होगा, सस्पेंडेड सॉलिड्स का, अपॉन दोस्तों जितना लीटर पानी हमने इस फिल्टर पेपर से पास किया है उतना हम नीचे ले लेंगे x। ठीक है दोस्तों, तो जो हमें कंसेंट्रेशन मिलेगा किसके इक्वल मिलेगा, WX अपॉन x mg पर लीटर। दोस्तों पानी किसमें हमारा, लीटर में,
वेट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड डब्ल्यू एस किस में है दोस्तों, ये होगा हमारा एमजी में। तो हमें डब्ल्यू एस अपन एक्स मिलने वाला है हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ कि हम मेजर कैसे करते हैं और फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि सस्पेंडेड सॉलिड्स हमारे वाटर पर क्या इफेक्ट डालते हैं। तो दोस्तों इफेक्ट क्या है सस्पेंडेड सॉलिड्स के, तो सबसे पहला इफेक्ट है एस्थेटिकली अनप्लीजेंट। दोस्तों एस्थेटिकली अनप्लीजेंट का मीन क्या है कि जो पानी होता है हमारा वो देखने में अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ कलर या टेस्ट है, उसकी कलर कुछ इंट्रोड्यूस हो जाता है या हमें कुछ सॉलिड्स देखने लग जाते हैं, इस वजह से वो हमारा जो पानी होता है वो एस्थेटिकली अनप्लीजेंट हो जाता है। दूसरा इंक्रूजन। दोस्तों इंक्रूजन क्या है, मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा पाइप है। अब इसमें क्या हुआ, जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं वो इस तरीके से जमा हो जाते हैं, तो हमारा क्या होता है पानी रुकने लग जाता है, ब्लॉक होने लग जाता है, तो इसी को कहते हैं हम इंक्रूजन। अब तीसरा है दोस्तों एक्ट एज एब्जॉर्बेंट साइट फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। दोस्तों जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं उनको बढ़ा देते हैं, जिनकी वजह से केमिकल और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स इनमें बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चौथा है हमारा इंट्रोड्यूस टेस्ट कलर एंड ऑर्डर। तो दोस्तों क्या करते हैं, कभी कभी पानी में टेस्ट भी चेंज हो जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है, कलर कोई नया फॉर्म हो जाता है और स्मेल भी आने लग जाती है, चेंज हो जाती है। ये इफेक्ट है हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स के। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगला फिजिकल पैरामीटर जो कि है हमारा टर्बिडिटी। दोस्तों दूसरा फिजिकल पैरामीटर क्या है, दूसरा फिजिकल पैरामीटर है टर्बिडिटी। दोस्तों टर्बिडिटी क्या होता है, एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए ये क्या है, ये हमें एक बीकर दे रखा है, ये बीकर दे रखा है, इसमें क्या डाल रखा है, हमने अपना रॉ वाटर डाल रखा है, मीन्स एक ऐसा पानी डाल रखा है जिसमें हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हमने नॉर्मली पानी अपना रख लिया है। ये क्या दोस्तों, ये रॉ वाटर है हमारा। अब क्या होता है दोस्तों, यहां से हम एक लाइट प्रोड्यूस करते हैं इस तरीके से। और दोस्तों यहां पर क्या बैठा है, यहां पर बैठा हुआ है हमारा ऑब्जर्वर, यहां पर बैठा हुआ है हमारा ऑब्जर्वर जो यहां से लाइट को देख रहा है। बट होता क्या है कि लाइट यहां से यहां आती है और यहां है बहुत सारे हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स, सस्पेंडेड सॉलिड्स हो सकते हैं या कुछ और भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो हमारी लाइट हो रही है, जो लाइट पास नहीं हो पा रही है, या तो वो स्कैटर हो जाती है किसी भी डायरेक्शन में इस तरीके से या वो इन पार्टिकल में एब्जॉर्ब हो जाती है, ये लाइट पास नहीं कर पा रही। तो दोस्तों जब लाइट पास ना कर पाए, या तो स्कैटर हो रही हो या एब्जॉर्ब हो रही हो, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम टर्बिडिटी, लाइट नॉट पास बट स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। तो दोस्तों क्या हो रहा है, हमारी लाइट, जब हमने एक लाइट सोर्स यहां रखा और हमने अपनी लाइट प्रोड्यूस की, दोस्तों लाइट इस सॉल्यूशन में से पास नहीं हो पा रही है, या तो लाइट हमारी स्कैटर हो जा रही है किसी भी डायरेक्शन में इस तरीके से, या इन पार्टिकल्स में कहीं एब्जॉर्ब हो जा रही है। तो दोस्तों इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं टर्बिडिटी। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है हमारी टर्बिडिटी। अब बात करते हैं टर्बिडिटी के इफेक्ट्स की। दोस्तों टर्बिडिटी के इफेक्ट्स क्या है, तो दोस्तों टर्बिडिटी के इफेक्ट्स भी सेम वही है जो हमने सस्पेंडेड सॉलिड्स के इफेक्ट देखे हैं। जो हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स के इफेक्ट हैं वही हमारे इफेक्ट है किसके, टर्बिडिटी के, किसमें, वाटर में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम टर्बिडिटी को मेजर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों उसके हमने 3-4 मेथड सीख रखे हैं और हम यहां देखने वाले हैं कि हम टर्बिडिटी किस तरीके से मेजर कर सकते हैं इन 3-4 मेथड से। दोस्तों अब बात करते हैं टर्बिडिटी के मेजरमेंट्स की। तो हम टर्बिडिटी को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, तो दोस्तों उसको सबसे पहला तरीका हमारा क्या है, टर्बिडिटी रॉड मेथड। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या कहते हैं, सबसे पहले अपना एक सॉल्यूशन लेते हैं, मान लीजिए ये हमने क्या लिया, अपना सॉल्यूशन लिया है। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, ये इसमें हमारा पानी है और हम कह सकते हैं हमारा रॉ वाटर है, तो हम टर्बिडिटी अपने लिए क्या करते हैं,
एक एल्यूमिनियम रॉड लेते हैं। दोस्तों ये क्या है, ये हमारी एक एल्यूमिनियम रॉड है। दोस्तों इसे एल्यूमिनियम रॉड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एल्यूमिनियम से बनी हुई है। तो दोस्तों इसमें हम एल्यूमिनियम रॉड लेते हैं और जिसके नीचे हमारी क्या लगी होती है, जिसके नीचे हमारी एक नीडल लगी होती है। ये क्या है दोस्तों, ये हमारी नीडल है। और दोस्तों ये यहाँ होता है हमारा आईपीस, यहाँ क्या होता है, यहाँ हमारा आईपीस होता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अपनी नीडल के इस पॉइंट को देख रहे होते हैं हम। अब दोस्तों जैसे कि पहले मान लीजिए ये नीडल हमारी यहाँ थी, यहाँ हमें दिख रही, तो हम क्या करेंगे इसे और नीचे खिसकाते चलेंगे। हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए हमारी रॉड है, ये हमारी एल्यूमिनियम रॉड है, तो हम इसे इस तरीके से नीचे खिसकाते जाते हैं और ऊपर से देखते जाते हैं। यहाँ से ऊपर से देखा हमने इस साइड से, अगर यहाँ से देख रहे हैं और ये हमें इसका ये निडल दिख रही है तो हम इसे और नीचे खिसका देंगे। फिर यहाँ से देखेंगे हमें दिख रही है, फिर और खिसका देंगे। फिर यहाँ से देखेंगे दिख रही है तो यहाँ से और खिसका देंगे। अब यहाँ से हम देख रहे हैं और हमें ये निडल नहीं दिख रही है, एट लास्ट वाली क्या ये निडल ये हमें नहीं दिख रही है, तो हम यहीं स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे अब यहीं स्टॉप हो जाएंगे। अब हमारे पास एक और बीकर होता है, हमारे पास एक और बीकर होता है दोस्तों, ये सेम साइज के बीकर होते हैं, सेम साइज का बीकर होता है। और हम क्या करते हैं, हमने देखा कि हमें यहां नहीं दिख रही थी हमारी नीडल, तो हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे और यहां तक इस पर रीडिंग होती है इस वाले बीकर में, और हम उन्हें रीड कर लेते हैं। इस बीकर में दोस्तों होता क्या है, इस बीकर में हमारा सिलिका होता है, क्या होता है सिलिका, और हम कह सकते हैं क्या हो सकता है SiO2 सिलिका या SiO2 हमारा इस बीकर में होता है, जो 1 mg 1 mg पर लीटर के हिसाब से ऐड किया जाता है इस सॉल्यूशन में। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, हमने देखा कि ये नीडल हमारी यहां पे नहीं दिख रही, तो हम इतनी रीडिंग ले लेंगे और यही हो जाता है हमारा क्या, टर्बिडिटी। अब दोस्तों टर्बिडिटी की यूनिट क्या होती है इस केस में, जब हम टर्बिड रॉड मेथड इस्तेमाल करेंगे तो हम इसमें सिलिका का यूज करते हैं। ये सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारा सिलिका ऐड होता है 1 mg पर लीटर के हिसाब से। हम क्या करते हैं, सेम बीकर लेते हैं, हमने देखा कि इस बीकर में यहां नहीं दिख रहा होता, तो हम इसमें सिलिका भर लेते हैं, जितना इसमें था ये पूरा सिलिका भर लेते हैं। अब हम जो निशान यहां पे आया था यहां पे नहीं दिखा, तो हम यहां पे निशान ला लेते हैं, यहां पे इसमें भी यहां नहीं दिख रहा होगा हम मान लेते हैं, और फिर इसके हिसाब से अपनी रीडिंग कैलकुलेट कर लेते हैं जो बीकर पे दे रखी होती है, और हम अपनी टर्बिडिटी निकाल लेते हैं। दोस्तों जो हम सिलिका ऐड करते हैं 1 mg पर लीटर से, उसे हम और क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लश गार्थ भी कहते हैं हम इसे। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, याद रखिए क्या कहते हैं हम इसे, फ्लश गार्थ, FLLERSGARTH फ्लश गार्थ भी कहते हैं दोस्तों हम उसे। अब बात करते हैं टर्बिडिटी रॉड मेथड में हमारे टर्बिडिटी की यूनिट क्या हो जाती है दोस्तों, इसकी यूनिट हो जाती है हमारी STU, जो कि हमारी दोस्तों सिलिका टर्बिडिटी यूनिट है हमारी। किसकी यूनिट, टर्बिडिटी की, क्यों, क्योंकि इसमें सिलिका किया यूज किया गया है 1 mg पर लीटर के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले मेथड की, जो कि क्या है हमारा, जो है हमारा जैक्सन टर्बिडिटी मेथड। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं दूसरा टर्बिडिटी मेथड, जो है हमारा जैक्सन टर्बिडिटी मेथड। मैं दोस्तों बता दूं आपको, फिजिकल पैरामीटर से हमारे गेट या ESE या किसी भी एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, वो भी 4-5 सालों में। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ फिजिकल पैरामीटर्स को जल्दी जल्दी खत्म करा दूं, जिसके बाद हम इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर और अच्छी तरह से ध्यान दे सकें। ठीक है दोस्तों, तो अगला टॉपिक हमारा जैक्सन टर्बिडिटी मेथड। ठीक है दोस्तों, ये हमारा दूसरा मेथड है टर्बिडिटी मेजरमेंट करने के लिए। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारा सेम एक बीकर होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम अपना सॉल्यूशन रख लेते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब हम नीचे एक मोमबत्ती लगा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मोमबत्ती लगा लेते हैं, या हम कह सकते हैं कोई दूसरा लाइट सोर्स लगा लेते हैं दोस्तों, हमसे क्या कहना, कैंडल। हम नीचे इसमें एक कैंडल लगा लेते हैं और इसमें क्या करते जाते हैं, अब इसमें अपना सॉल्यूशन भरते जाते हैं। मान लीजिए पहले मेरा बीकर खाली था, तो मैं जब ऊपर से, ये मेरा ऑब्जर्वर है जो ऊपर से देख रहा है, तो दोस्तों ऊपर से जब ये देखेगा तो देखेगा कि कैंडल हमें दिख रही है। अब क्या करेगा, पानी बढ़ाएगा थोड़ा, अब देखा इसमें अब भी कैंडल दिख रही है, उसकी फ्लेम दिख रही है,
फिर और पानी बढ़ाया, फिर देखा यार अब भी दिख रही है, फिर से थोड़ा सा और बढ़ाया, देखा अब भी दिख रही है, फिर और बढ़ाया, अब देखा इसमें नहीं दिख रही है, तो ये यहीं पर रुक जाएगा, ये यहीं पर रुक जाएगा, अब इससे ऊपर पानी नहीं बढ़ाएगा। फिर वहीं से हमारे पास SiO2 का एक सॉल्यूशन होगा, कह सकते हैं हम सिलिका का, और हम यहां से मेजर कर लेंगे कि भाई यहां तक दिख रहा था इसे इतना, ये SiO2 का सॉल्यूशन है हमारा, जिसमें 1 mg पर लीटर के हिसाब से सिलिका ऐड किया गया है। अब हम देखेंगे क्या कि इसने तो यहां तक देख पाया, तो यहीं तक हम सॉल्यूशन फिल करेंगे। अब दोस्तों फिर से क्या हो रखा होगा, इसमें रीडिंग होगी, पर दोस्तों इसमें रीडिंग जो होती है हमारी, हमने जो सबसे पहले टर्बिट रॉड मेथड देखा था, हमने टर्बिटरी रॉड मेथड, उसमें हमने क्या देखा था कि रीडिंग जो होती थी सीधी होती थी। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस कंटेनर में जो हमारी रीडिंग होती है वो क्या होती है, उल्टी होती है। रीडिंग क्या होने वाली है इसमें, उल्टी होने वाली है। तो फिर से हम भाई एक बार फिर से मेजर कर लेंगे कि टर्बिट रॉड मेथड में, सॉरी दोस्तों जैक्सन टर्बिटरी मेथड में, इन रीडिंग से कि हमारी टर्बिडिटी क्या होने वाली है। बट दोस्तों इस केस में जो हमारी रीडिंग होती है ना वो अलग आती है, क्योंकि इसकी यूनिट अलग होती है, और जो कि हमारी क्या, जैक्सन जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट। ठीक है दोस्तों, और मैं बता दूं आपको, जो हम इस मेथड से टर्बिडिटी नाप पाते हैं वो कितनी हो सकती है दोस्तों, 25 यूनिट से ज्यादा की। और 25 यूनिट से कम है टर्बिडिटी तो हम इस मेथड से नाप ही नहीं सकते। और टर्बिडिटी कितनी होगी, 25 यूनिट से ज्यादा होगी तभी हम टर्बिडिटी अपनी इस मेथड से नाप सकते हैं। अब दोस्तों आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, या हम कह सकते हैं कि जिससे क्वेश्चन बन सकता है, या जो एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट मेथड है, वो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा बेलीज एंड नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी मेथड। तो दोस्तों अगला मेजरमेंट का मेथड है हमारा बेलीज नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। दोस्तों बेलीज और नेफ्लोमीटर दो अलग अलग टर्बिडिटी मेथड है, बट इनका इनका मेजर करने का तरीका सेम है, इसलिए हमने साथ लिख दिए हैं। दोस्तों बेलीज और नेफ्लो, ये बेलीज है और ये क्या है, ये हमारा नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी मेथड है। दोस्तों दोनों ही केस में क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक बल्ब लगाते हैं, ये क्या है दोस्तों, ये हमारा लाइट सोर्स है, ये क्या है, ये हमारा एक लाइट सोर्स होने वाला है। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम दो सॉल्यूशन लेते हैं, एक तो होता है ये हमारा रॉ वाटर, ये क्या है दोस्तों, ये हमारा रॉ वाटर जिसकी हमें टर्बिडिटी निकालनी है, हमें इस वाले सॉल्यूशन की तो हमें टर्बिडिटी निकालनी होती है। ये हमारे दो सॉल्यूशन है, हमें ऊपर वाले की, इस वाले की क्या करनी है, हमें टर्बिडिटी निकालनी होती है, और ये नीचे वाला जो होता है ये होता है हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये क्या है दोस्तों, ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो दोस्तों क्या होता है कि हमें रॉ वाटर की तो इस वाले की तो हमें टर्बिडिटी निकालनी होती है इस वाले सॉल्यूशन की, बट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इसकी हमें टर्बिडिटी पता होती है, हमने इसकी टर्बिडिटी पहले ही निकाल रखी है, जिसकी हमारे पास एक टेबल बनी रहती है, तो हमने इस वाले टेस्ट ट्यूब की, या हम कह सकते हैं इस वाले सॉल्यूशन की तो टर्बिडिटी निकाल रखी है, हमें रॉ वाटर इस ऊपर वाले की हमें टर्बिडिटी निकालनी है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, यहां से हम लाइट प्रोड्यूस करेंगे बल्ब से, तो यहां हमने सॉल्यूशन के सामने क्या लगा रखी है, फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट, क्या हम कह सकते हैं फोटोमीटर या फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट, ये दोनों दोस्तों क्या है, ये हमारी फोटो मीटर्स, या इन्हें हम कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट। दोस्तों ये दोनों भी क्या है हमारी, ये दोनों हमारे फोटोमीटर्स या फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट। तो दोस्तों इन प्लेट्स का काम क्या होता है, हम कह सकते हैं इन फोटोमीटर्स का काम क्या होता है, जब लाइट ये इस बल्ब से हम प्रोवाइड कराएंगे इन सॉल्यूशंस को, हमने क्या किया, इन सॉल्यूशंस के पास लाइट प्रोड्यूस कराई। अब दोस्तों क्या होगा, जब ये लाइट इनसे पास होकर इन फोटोइलेक्ट्रिक मीडियम पर जाएगी या फोटोइलेक्ट्रिक प्लेट पर जाएगी, तो ये लाइट हमारी क्या करती है, ये प्लेट क्या करती है, ये करंट प्रोड्यूस करने लग जाती हैं, ये दोनों ही प्लेट क्या करने लग जाती है, करंट प्रोड्यूस करने लग जाती हैं। तो ये इनका काम होता है फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट का। अब दोस्तों हमने क्या किया, इनसे लाइट पास कराई।
अब दोस्तों हम क्या करेंगे, दोनों ही इन दोनों ही सॉल्यूशन का हम कलर देखेंगे। अब अगर इन दोनों सॉल्यूशंस का, रॉ वाटर और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का, अगर कलर सेम होता है तो हम कह देंगे कि भाई दोनों की टर्बिडिटी सेम है। अगर इन दोनों का कलर सेम नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को निकालेंगे और यहां दूसरा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रख देंगे। मान लीजिए पहले ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था, तो हम क्या करेंगे, अब ये कलर मैच नहीं हो रहे दोनों, तो हमने क्या किया, दूसरे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रखे। हमने दूसरे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए ब्लैक ले लिया यहां पर, अब ये इससे मैच कर गया, तो इन दोनों की टर्बिडिटी हम कह सकते हैं, इन दोनों की टर्बिडिटी हमारी सेम होने वाली है। अब ठीक है दोस्तों, ये तो हुई इन दोनों की फंक्शनिंग की बात, और हम समझिए कि हमें किस तरीके से टर्बिडिटी निकालनी है। बट अब बात करते हैं कि दोनों मेथड अलग अलग क्यों हैं। तो दोस्तों जो हमारा बेलीज नेफ्लोमीटर है ना, बेलीज नेफ्लोमीटर दोस्तों ये किस पे वर्क करता है, ये वर्क करता है हमारा एब्जॉर्प्शन पर, एब्जॉर्प्शन पर। दोस्तों इस बल्ब से, इस सॉल्यूशन में लाइट एब्जॉर्ब होगी और एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ बची कुची लाइट आगे जाएगी। जैसा कि हम देख सकते हैं यही तो पाथ है लाइट का, ये पाथ है लाइट का, लाइट ऐसे ही तो जाएगी। बट बात करें नेफ्लोमीटर का, तो नेफ्लोमीटर में केस अलग है। क्यों दोस्तों, जब लाइट हमारी यहां से इन सॉल्यूशन में पड़ेगी, दोस्तों इन सॉल्यूशन में सेम बेलीज की तरह ही है, दोनों का कलर सेम हुआ तो टर्बिडिटी सेम है। अगर ये कलर अलग हो रहे हैं तो हम इस वाले स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को चेंज करते रहेंगे। ठीक, अब हमने क्या किया, यहां से लाइट पास कराई इन सॉल्यूशन में, अब लाइट हमारी स्कैटर होकर कुछ ऐसे जाएगी और कुछ ऐसे चली जाएगी, तो जो हमें करंट मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, स्कैटर लाइट्स की वजह से। तो हम कह सकते हैं जो हमारा नेफ्लोमीटर है वो किस पे वर्क करता है, वो करता है दोस्तों वर्क हमारा स्कैटरिंग पर। नेफ्लोमीटर स्कैटरिंग प्रिंसिपल पर वर्क करता है और बेलीज हमारा एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पर वर्क करता है। दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है किसी भी एग्जाम में, ये एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल और स्कैटरिंग प्रिंसिपल आप याद रखिएगा किस में कौन सा यूज होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यूनिट की। तो दोस्तों जब भी आपको स्कैटरिंग प्रिंसिपल मिले याद रखिएगा, जो इसकी यूनिट होने वाली है हमेशा उस केस में इसकी यूनिट होती है FTU। FTU क्या है दोस्तों, फॉर्मेजीन टर्बिडिटी यूनिट। फॉर्मेजीन टर्बिडिटी यूनिट है इसकी यूनिट दोस्तों स्कैटरिंग की। क्यों, क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, इसमें हम क्या ऐड करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं फॉर्मेजीन 1 mg पर लीटर के हिसाब से हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या ऐड करते हैं, अपना फॉर्मेजीन ऐड करते हैं किसमें, स्कैटरिंग प्रिंसिपल में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये फॉर्मेजीन होता क्या है। दोस्तों जो फॉर्मेजीन है दोस्तों वो क्या है हमारा, हेक्सामिथिलीन टेट्रा अमीन होता है हमारा क्या, फॉर्मेजीन। दूसरे दिख नहीं रहा, मैं कहीं और लिखता हूं, यहां लिख देता हूं हेक्सामिथिलीन टेट्रा अमीन। दोस्तों ये क्या है, हेक्सामिथिलीन टेट्रा अमीन क्या है दोस्तों, ये है हमारा फॉर्मेजाइन। क्या है, फॉर्मेजाइन। और जब भी हमारा स्कैटरिंग प्रिंसिपल यूज होगा नेफ्लोमीटर में तो हम उसकी यूनिट क्या बताएंगे दोस्तों, उसकी यूनिट होती है हमारी फॉर्मेजीन टर्बिडिटी यूनिट। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि और चेंजेस क्या हो सकता है बेलीज और नेफ्लोमीटर में। तो दोस्तों सबसे मेन चेंज जो है इनमें वो है ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट, या हम कह सकते हैं फोटोमीटर। दोस्तों क्यों, क्योंकि जो बेलीज में हमने फोटोमीटर रखा है वो कैसा रखा है, वो हमने रखा है लॉन्गिट्यूडनल, तो फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट हमने कैसी रखी है दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट जो रखी है वो हमने कैसे रखी है, लॉन्गिट्यूडनल। अब बात करें नेफ्लोमीटर की, दोस्तों नेफ्लोमीटर में हमने कैसी प्लेट रखी है, तो जो प्लेट होती है दोस्तों ये होती है हमारी लेटरली प्लेट। जो प्लेट के डायरेक्शन है वो देख सकते हैं, अब ये लेटरली है और ये कैसी है हमारी, ये हमारी इस केस में लॉन्गिट्यूडनली है प्लेट। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे बेलीज और नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी मेथड, और साथ में ही उनके कुछ
डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारा अगला फिजिकल पैरामीटर जो कि है कलर। तो दोस्तों फिजिकल पैरामीटर हमारा कलर भी है, एक तीसरा फिजिकल पैरामीटर है ये। तो हम कलर में क्या मेजर करते हैं दोस्तों, हम कलर में मेजर करते हैं इसकी इंटेंसिटी कि ये कितना गहरा है कितना हल्का है, हम ये कलर में मेजर करते हैं। अब दोस्तों अब बात करते हैं कलर के इफेक्ट की। तो इसका पहला इफेक्ट क्या है जो हर किसी में होता है, एस्थेटिकली अनप्लीजेंट, यानी देखने में अच्छा नहीं लगता। दूसरा इफेक्ट क्या है दोस्तों, ये इसका थोड़ा मेन इफेक्ट है, आप याद रखिएगा, जो कि है रिएक्ट्स विथ ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म कार्सिनोजेनिक कंपाउंड। दोस्तों कार्सिनोजेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे कैंसर कॉजिंग कंपाउंड। दोस्तों कलर हमारे क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर से रिएक्ट करके कैंसर कॉजिंग कंपाउंड बना लेते हैं। ये आपके लिए मेन हो सकता है, क्यों, ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है, अभी तक पूछा तो नहीं गया बट आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। फिर भाई अगला, नॉट यूज इन ड्रिंकिंग, पीने में अच्छा नहीं लगेगा कलर, वो जिस पानी में कलर हो, वॉशिंग के लिए यूज नहीं कर सकते आप। और अगला पॉइंट है, कलर इंक्रीज डिमांड ऑफ Cl2, देयरफॉर एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीनेशन डिक्रीज। तो दोस्तों अगला पॉइंट क्या है कि अगर आप कलर ज्यादा ऐड कर देते हो पानी में तो वो क्लोरीन की डिमांड को बढ़ा देता है, Cl2 की डिमांड को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एफिशिएंसी होती है किसी क्लोरीनेशन की वो क्या हो जाती है दोस्तों, वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। अगर आपको क्लोरीनेशन नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आगे चल के क्लोरीनेशन भी पाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कलर होता किस वजह से हमारे पानी में। दोस्तों कलर होने का मेन रीजन जो होता है वो है हमारा सॉलिड्स, ये हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स भी हो सकते हैं या हमारे डिजॉल्व सॉलिड्स भी हो सकते हैं या हमारे दोनों हो सकते हैं। इनकी वजह से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है हमारा कलर इन वाटर। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ, अब ये तो होगा उनके इफेक्ट कलर के। अब बात करते हैं कि हम कलर को मेजर कैसे करते हैं अपने वाटर में। दोस्तों हम कलर कैसे मेजर करते हैं, दोस्तों हम कलर मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है टिंटोमीटर। हम टिंटोमीटर यूज करने वाले हैं कलर मेजर करने के लिए। टिंटोमीटर क्या है दोस्तों, टिंटोमीटर हमारा एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होती है, जिसमें बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं। दोस्तों इन ट्यूब्स को कहते हैं हम नेस्लर ट्यूब्स। और दोस्तों ये क्या है, ये हमारी कुछ कलर ट्यूब्स होती हैं। मैं दोस्तों बता दूं आपको, जो हम कलर मेजर करते हैं वो किस में करते हैं, TCU, ट्रू कलर यूनिट में। हम कलर की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। अब दोस्तों मेजर करने के लिए हम पहले बता दूं क्या करते हैं कि हम इसमें ऐड करते हैं क्या, इन ट्यूब्स में ऐड करते हैं हम क्या, क्लोरीनेटेड प्लेटिनेट आयन। हम सारी ट्यूब्स में क्या ऐड करते हैं, क्लोरीनेटेड प्लेटिनेट आयन, किस रेट से, 1 mg/L के हिसाब से। अब दोस्तों जो हमारी ट्यूब, मान लीजिए ये ट्यूब थी जिसका हमें कलर बताना था, टीसी बताना था, ट्रू कलर यूनिट, कलर की इंटेंसिटी बतानी थी। तो इन सब ट्यूब में जब हम अपना क्लोरीनेटेड प्लेटिनेट आयन ऐड कर देंगे तो हम अपनी ट्यूब को हर ट्यूब से मैच करके देखेंगे, इस ट्यूब को हर ट्यूब से मैच करके देखेंगे कि यह हमारी इस ट्यूब का कलर किस ट्यूब के कलर से मैच कर रहा होगा, और जिस ट्यूब से मैच कर जाएगा वही हमारा TCU होगा। बट याद रखिएगा, ये जो ट्यूब्स होती हैं हमें इनका TCU पता होता है, हमें इनका TCU पता होता है, और फिर हम इस ट्यूब का भी TCU निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों एक गेट क्वेश्चन भी है कि गेट में आया था कि जो ट्रू कलर यूनिट होती है हम उसमें कौन सा आयन यूज करते हैं, तो हम उसमें दोस्तों कौन सा आयन यूज करते हैं, क्लोरीनेटेड प्लेटिनेट आयन हम यूज करते हैं किसमें, ट्रू कलर यूनिट में। ठीक है दोस्तों, ये तो होगा कलर। अब आता है हमारा अगला फिजिकल पैरामीटर जो कि है टेस्ट एंड ऑर्डर। दोस्तों अगला हमारा फिजिकल पैरामीटर है क्या, टेस्ट एंड ऑर्डर। तो दोस्तों टेस्ट एंड ऑर्डर के इंपैक्ट की बात करूं या इफेक्ट की बात करूं पानी में तो क्या होगा, पहली बात है टेस्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ऑर्डर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और दोस्तों ऑर्डर क्या होता है, दोस्तों ऑर्डर होता है स्मेल, और टेस्ट बताइए आपको स्वाद, तो स्वाद इंट्रोड्यूस कर देते हैं या कोई स्मेल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और हम कह सकते हैं एस्थेटिकली अनप्लीजेंट होता है,
और नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग, नॉट यूज फॉर वॉशिंग, इस तरीके से हम इसके इम्पैक्ट या इफेक्ट्स लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम इसको मेजर कैसे करते हैं, मेजर कैसे करते हैं दोस्तों। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें यूज करते हैं अपनी डाइल्यूशन टेक्निक, डाइल्यूशन टेक्निक यूज करते हैं दोस्तों। उसमें क्या होता है दोस्तों, हम एक बीकर लेते हैं, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक बीकर लिया और जिसमें हमने AML सॉल्यूशन ले रखा है, AML सॉल्यूशन ले रखा है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, अब दोस्तों इसमें और पानी ऐड करते हैं, मान लीजिए पानी या कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन, और ऐड करेंगे और ऐड करेंगे जब तक इसकी स्मेल या टेस्ट, मान लीजिए पहले मैंने पहले ऑर्डर मैंने इसमें पहले कुछ ऐड किया, फिर मैंने देखा यार अब भी स्मेल आ रही है, टेस्ट करके देखा यार अब भी टेस्ट आ रहा है, तो फिर मैंने क्या और ऐड कर दिया, फिर देखा फिर भी थोड़ा बहुत स्मेल आ रही थी और थोड़ा बहुत टेस्ट आ रहा था, तो फिर मैंने क्या किया फिर से ऐड किया, अब देखा मैंने तो ना तो इसमें कोई खुशबू आ रही थी अलग सी, ना तो कोई इसमें अलग टेस्ट आ रहा था, और मैंने ऐड कितना किया 20 लीटर, हम कह सकते हैं 20 मिलीलीटर पानी, 20 ml, ये हमने 20 ml सॉल्यूशन इसमें ऐड किया जब हमारा या तो टेस्ट खत्म हो गया या ऑर्डर खत्म हो गया। अगर दोस्तों हम टेस्ट के लिए कर रहे हैं तो हम टेस्ट लेते चलेंगे, और ऑर्डर के लिए कर रहे हैं तो दोस्तों ऑर्डर करते हुए चलेंगे। तो यहां हम पहले टेस्ट की बात कर लेते हैं, तो हमने AML सॉल्यूशन लिया, देखा तो पहले ये मीठा था, कैसा था, मीठा था, अब इसमें हमने कुछ पानी ऐड किया थोड़ा कम मीठा हुआ, फिर हम इसमें और ऐड किया थोड़ा और कम हुआ, फिर इसमें और कम हमने थोड़ा और ऐड किया तो ये मीठा नहीं रहा, बट पहले इसमें सिर्फ AML सॉल्यूशन था, अब इसमें हमने क्या कर दिया BML सॉल्यूशन भी ऐड कर दिया है और टेस्ट किया तो मीठा नहीं है। अब दोस्तों अब हमारे पास दो चीज आ जाती हैं, अगर हम स्मेल के लिए कर रहे हैं तो TON यूनिट होने वाली हमारी किसकी, ऑर्डर की, स्मेल के लिए कोई भी यूनिट होने वाली वो होने वाली TON। और दोस्तों ये क्या है TON, क्या है, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। अगर हम स्मेल चेक करते पहले कुछ स्मेल आ रही थी, फिर पानी मिलाया फिर कम हो गई, फिर और मिलाया तो और कम हो गई, तो उस केस में जो इसकी यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। और दोस्तों वो हमारी किसकी इक्वल होती है, वो हमारी इक्वल होती है a प्लस b अपॉन a के, यानी कि a सॉल्यूशन जितना पहले था प्लस b जितना जो हमने मिलाया अपॉन a, तो ये तो पहले था ही, ठीक है, तो ये हो गया हमारा थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। अब टेस्ट की बात करें तो टेस्ट के बाद में इसकी यूनिट क्या होती है, एफ टी एन किसके लिए जाती है दोस्तों, टेस्ट के लिए हो जाती है, जो कि किसके इक्वल होती है, एफ टी एन की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, फ्लेवर्ड थ्रेशोल्ड नंबर इसकी टेस्ट की यूनिट है। और दोस्तों ये भी किसकी इक्वल होती है, ये भी इक्वल होती है a प्लस b अपॉन a के, ठीक है दोस्तों। तो ये हुए टेस्ट और ऑर्डर की यूनिट और साथ में उनके मेजरमेंट करने का तरीका। अब दोस्तों अगला फिजिकल पैरामीटर आता है हमारा, जो कि है टेम्परेचर। तो दोस्तों अगला फिजिकल पैरामीटर क्या है हमारा, टेम्परेचर। तो दोस्तों टेम्परेचर के बारे में बता दूं आपको कि अगर हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है तो जो हमारी बायोलॉजिकल और केमिकल एक्टिविटीज है ना दोस्तों, वो भी इंक्रीज हो जाती हैं। अब अगर मान लीजिए हमारे टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज आए, हम कह सकते हैं हमारा जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाए, तो जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती है दोस्तों वो क्या हो जाती है, वो डबल हो जाती है, ठीक है दोस्तों। बात करें टेम्परेचर को हम मेजर किससे करते हैं, टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं किससे, थर्मोमीटर से। तो सबको पता है थर्मोमीटर से टेम्परेचर हमारा मेजर होता है। और दोस्तों ये होता क्या टेम्परेचर, दोस्तों ये होता है हमारा इंडिकेटर ऑफ हीट एनर्जी। टेम्परेचर क्या है दोस्तों, टेम्परेचर है हमारा इंडिकेटर ऑफ हीट एनर्जी। दोस्तों टेम्परेचर के बारे में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना होता है।